in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it. हेलो कार लवर्स, आज हम खड़े हैं टोयोटा ग्लांजा के सामने में। आज हम बनाने वाले इस पे वीडियो, इस पे 1.2 लीटर का इंजन आता है। तो चलिए आगे बात करते हैं इस वीडियो में, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। वेल, हम खड़े टोयोटा के ग्लांजा के सामने। आपको जैसे बताया था, ये रहा इसका फ्रंट लुक। यहाँ पे 360 कैमरा मिल जाता है लोगों के नीचे में। ये नंबर प्लेट वगैरह है, इसकी हेडलाइट है, प्रोजेक्टर लैंप मिलते हैं इसमें। ये टॉप एंड मॉडल देख रहे हैं आप ग्लांजा का। ये रहा इसका फॉग लाइट, इसकी ग्रिल है। वैसे तो है ये चचेरी बहन बलेनो की, बट कुछ मॉडिफिकेशंस किया है टोयोटा ने इसमें, जैसे कि इंजन वगैरह में, कुछ डिजाइन वगैरह में ग्रिल वगैरह चेंज है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे आपको चलते इसके इंजन के बारे में बताते हैं। ग्लांजा का इंजन कैपेसिटी है इसमें 1197 x 1200 cc का, जो कि 4 सिलेंडर आता है। और इसकी पावर की बात, इसकी मैक्स पावर की बात करें तो 6000 rpm पे 66 kW की पावर निकालता है। और टॉर्क की बात करें तो 4400 rpm पे 113 Nm का टॉर्क निकालता है। इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक दिया गया है। इसमें डिस्क ब्रेक के साथ में 2520 mm का व्हील बेस मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके लेंथ, वेट और हाइट की। तो 3940 mm की इसकी लेंथ है, 1745 mm की इसकी वेट है, और हाइट की बात करें तो 1500 mm की इसकी हाइट है। तो पेट्रोल टैंक का 37 लीटर का ऑप्शन दिया जाता है इसमें। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। इसमें बूट स्पेस की बात करें तो 318 लीटर का बूट स्पेस आता है। और इसी के नीचे में स्पेयर व्हील का भी ऑप्शन दिया गया है। इसमें रिम मिलता है ना कि अलॉय व्हील, एक टूल किट वगैरह दी गई है इसमें। ये रही इसकी बूट लाइट, जिसमें ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया है यहाँ से। इसमें टोइंग हुक भी दिया है। 60-40 के रेशियो में सीट स्प्लिट का भी ऑप्शन दिया गया है। ये रहा इसका ट्रे, हाइड्रोलिक मिलती है इसमें भी बूट। मैं गाड़ी लेके आया हुआ है सत्कार टोयोटा छिंदवाड़ा का, इसमें लोगो लगा हुआ है। ये रही ग्लांजा, इसमें बेजिंग दी गई है वी टॉप एंड मॉडल की। बात कर लेते बैक साइड की। इसमें यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है, रिवर्स पार्किंग कैमरा प्लस सेंसर्स दी गए हैं। ये रही इसकी लाइट। अब आपको इसकी ब्रेक लाइट भी दिखा दूं। ये इसकी ब्रेक लाइट है, ये साफी 19 नहीं मिलता इसमें। ये रहा इसका वाइपर, यहाँ पे इसके नीचे में दिया हुआ है वॉशर का ऑप्शन। सो हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, कीलेस एंट्री है कार में। तो ये रहा ग्लांजा का स्टेयरिंग प्लस डैशबोर्ड का ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑटो मिरर दिया गया है इसमें, नाइट में ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है लाइट आने पे। ये रहा इसका सनवाइजर, इसमें वैनिटी मिरर में लाइट दिया गया है। यहाँ पे भी लाइट दिया गया है, हेलोजन है पूरी, प्लस इधर भी वैनिटी मिरर का ऑप्शन है। एंड इधर में ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं, और साथ ही में पियानो फिनिश के साथ में आता है इसका डैशबोर्ड। ये हार्ड प्लास्टिक है, ना कि सॉफ्ट मटेरियल है, ये भी पूरा हार्ड है। ये रहे इसके स्टीयरिंग के कंट्रोल्स। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल अप एंड डाउन मीन्स सेट रिसेट कर सकते हैं। यहाँ पे मोड्स दिए गए हैं। ये रहा इसका आरपीएम मीटर प्लस स्पीडोमीटर। इसमें प्यारा सा डिजिटल मीटर, एनालॉग है पूरा, डिजिटल से थोड़ा सा ही है। ये रहे इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें 360 कैमरा भी मिल जाता है हमें, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। इसमें लाइट्स के ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑटो लाइट भी है। इसमें ऑटोमेटिक वाइपर्स की भी ऑप्शन दिया गया है। प्लस इसमें ये रहा इसका हेड अप डिस्प्ले, इसको ऑन करके दिखाता हूँ मैं। बलेनो की तरह चाबी मिल जाती है, ऐसी दो आती है बस। इसमें टोयोटा का लोगो लगा हुआ है, दैट्स ऑल। अब आपको दिखाऊंगा, पहले अपन इसकी बात कर ले। ऑटोमेटिक एसी, इसमें स्विच बहुत अच्छा दिया गया, बस ये बलेनो के साथ का ही दिया गया है। सेम टू सेम बलेनो की चचेरी बहन ही है, थोड़ा सा बस चेंजेस है। हैजार्ड लाइट रहा। ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10 इंची का आता है इसमें। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है इसमें। यहाँ पे बात करें 12 वोल्ट की चार्जिंग पॉइंट या सिगरेट ऑप्शन, जो भी बोलो। यहाँ पे USB का ऑप्शन दिया गया है, फास्ट चार्जिंग मिल जाती है इसमें। इधर साइड में फैब्रिक का बहुत अच्छा उपयोग किया गया है। ये इसका ग्लव बॉक्स,
साथ ही में इसका हैंड ब्रेक और प्लस ये आर्म रेस्ट मिल जाता है जो कि स्लाइडर दिया गया है, स्लाइड हो जाता है। इसमें स्टोरेज का ऑप्शन भी दिया गया है यहाँ पे। चलिए अब हेड ऑफ डिस्प्ले दिखाता हूँ आपको मैं। ये रहा इसका हेड ऑफ डिस्प्ले, स्टार्टिंग का ऑप्शन दिखा रहा है ये, हेलो, और प्लस ये दिखा रहा है पूरा, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये रहा इसका कंट्रोल्स एज वेल जैसा उसमें था बलेनो में, सेम टू सेम है। यहाँ पे ट्विटर की प्लेसिंग है, यहाँ पे एयरबैग इस साइड में भी है, कॉल डिस्कनेक्ट कनेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, उधर भी एयरबैग की प्लेसिंग दिख रही होगी आपको। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, टोयोटा का बहुत अच्छा सा लोगो बन के आता है। टोयोटा तो अपने लोगों के लिए ऐसे भी फेमस है ही। आपको दिखाता हूँ सीधे 360 कैमरा इसका मैं, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है बट है, ज़्यादा बुरी भी क्वालिटी नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में आता है इसका एसी, अच्छा है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, फिर भी ठीक है। अब आ चुके हैं अपन ग्लांजा के बैक साइड में। ये इसमें एक फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है, एक नॉर्मल टाइप का दिया गया है, ये एसी के फ्लो कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया है। लेग स्पेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस है, जितना बलेनो में उतना ही है, ज़्यादा कोई ऐसा है नहीं माइनर सा या फिर ऐसा कोई लॉन्ग ऐसा है नहीं, नॉर्मल है। प्लस ये हुक दिया गया है इसमें भी, टोइंग हुक, जो कि सीट कवर में भी दबा सकते हैं, ये ग्रैब हैंडल। ये रहा इसका डोर लाइट प्लस मिडिल लैंप जो भी बोलो, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप तो सब कुछ देख ही चुके हो। इसमें फोर स्पीकर विद ट्विटर के साथ में आती है गाड़ी। बैक साइड तो आप देख ही चुके हो पूरा कैसा है, यहाँ पे छोटा सा ग्लास मिल जाता है, दैट्स ऑल, नथिंग मच। आज की वीडियो में बस इतना ही, कुछ ज़्यादा था नहीं, बलेनो की चचेरी बहनी है, आपने तो बलेनो की पूरी फुल वीडियो डिटेल में देखी होगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।